सत श्री अकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ विनीत कपूर। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की गल करिए, चंडीगढ़ वो खूबसूरत शहर जिहड़ा अपनी खूबसूरती लई जाना जांदा सी, लेकिन अज पोल्यूशन नू लैके इस शहर दीआं चर्चावां होणियां शुरू हो चुकियां ने, क्योंकि पिछले कई दिनों तो इस शहर दे विच जिस ढंग दे नाल एयर पोल्यूशन का ग्राफ जिहड़ा वधदा नजर आया, AIQ की गल करिए 300 पार है इस शहर का, और जिस ढंग की तस्वीर इस वक्त इतने वेखण मिल रही है, शाम का वेला है, शाम के वेले तुम वेख सकते हो किस ढंग के नाल एक फोग नज़र आ रही है, लेकिन आ फोग नहीं है बल्कि एयर पोल्यूशन है, धूं है जिहड़ा इस पूरे शहर में अपनी गर्त दे विच लैंदा होया नज़र आ रहा है। तुम तस्वीर वेख सकते हो कि किस ढंग के नाल आ शहर जिहड़ा वो पोल्यूशन दे बिल्कुल वेरी पुअर लैवल पर पहुँचता होया नज़र आया, क्योंकि जिस ढंग के नाल पिछले दिनों दे विच दिवाली का त्यौहार सी, जम के आतिशबाजी हुई, इस दे नाल ही जिहड़े पर्यावरण विशेषज्ञ कहिंदे होए नज़र आए ने, क्योंकि साह लैण दे विच भी दिक्कत आ रही है लोगों नूं, इस तों इलावा अखां भी मचणियां शुरू हो चुकियां ने, ते जिहड़े पर्यावरण विशेषज्ञ ने वह कहिंदे होए नज़र आ रहे ने कि इसका अहम कारण दिवाली दे उपर जिहड़े पटाके चलाए गए ने उह है, और इस दे नाल ही जिथे गवांढी सूबियां दे विच पराली साड़ी गई है वह भी इस पोल्यूशन का अहम कारण है, क्योंकि एक पासे तुसी देख सकते हो एक पासे जरा ग्रीनरी वाला एरिया है चंडीगढ़ की, मैं एक बार दोबारा तो तस्वीर विखाऊंगा, एक पासे ग्रीनरी वाला एरिया, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरूर तस्वीर विखाए, आ ग्रीनरी वाला एरिया रेजिडेंशियल एरिया इतने नहीं है, ट्रैफिक भी इतने काफ़ी घट है, और इस ग्रीनरी एरिए की एक तस्वीर वेखो कि इतने पोल्यूशन काफ़ी घट नज़र आ रहा है, इतने पोल्यूशन इन्ना नहीं है, इतने विजिबिलिटी भी वेखन नूं मिलती है, लेकिन दूजे पासे जेकर असी शहर की तस्वीर विखाइए तो तुसी शहर दे विच वेखो किस ढंग दे नाल पूरे शहर नूं जिहड़ा धुआं अपनी चपेट दे विच लैंदा होया नज़र आया, विजिबिलिटी जिहड़ी है वह भी घटती हुई नज़र आ रही है, और आ हालात शाम दे नहीं बल्कि दिन दे विच भी इस तरह के हालात वेखन नूं मिल रहे हैं, और जिहड़े मौसम विशेषज्ञ ने उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है इस पोल्यूशन नूं कंट्रोल करन नूं लैके कि कुछ स्टैप चुके जाने ने, जिस दे विच हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल किए गए ने, नगर निगम के जिहड़े अधिकारी हैं वह भी शामिल किए गए हैं, और प्रोपर मोनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि AIQ जिहड़ा 300 तो पार जाता होया नज़र आया, उस तो बाद हेल्थ डिपार्टमेंट नूं किया गया है कि एक हेल्थ एडवाइजरी जिहड़ी है वह भी जारी की जाए, हेल्थ एडवाइजरी इस करके क्योंकि जिहड़ी लोगों नूं साह लैण दे विच दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है, अखां मच रहियां ने, जिहड़े हार्ट पेशेंट्स ने उन्होंने भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पै रहा इस पोल्यूशन की वजह के नाल, एक हेल्थ एडवाइजरी जिहड़ी है वह जल्द जारी होती हुई नज़र आएगी, नगर निगम जिहड़ा है उसकी तरफों जिहड़ा ए फोग जमी हुई है जिहड़ा धुआं जमया होया है, इस तों इलावा सड़कों के उपर जिहड़े वहीकल चल रहे हैं उस दे नाल डस्ट ना उड़े तो उन्हां दी तरफों गड्डियां जिहड़ियां ने वह लाइया गई ने शहर के विच जिहड़ी पानी की बछाड़ा कर रही ने, पानी की बछाड़ा जिथे सड़क के उपर कीतियां जा रही ने उत्थे आ जिहड़े दरखत लगे हुए ने इन्हां दे उपर भी पानी की बछाड़ा करन दा सिलसिला जिहड़ा वह शुरू हो चुकिया है, ताकि किसी भी ढंग दे नाल जिहड़ा एयर पोल्यूशन है इसनों घट किया जाए, इस दे नाल ही मौसम विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जिस ढंग दे नाल जिहड़ा मौसम है उस दे विच जिहड़े बदलाव आ रहे हैं, यानी गर्मी दे दिहाड़े जा रहे ने, सर्दी जिहड़ी है वह शुरू होने वाली है, तो इस करके वायुमंडल दे विच एक परत जिहड़ी है वह जम जाती है, हालांकि अमूमन जदों इन्ना पोल्यूशन होंदा है तो उस तों बाद बारिश आती है जिस करके लोगों नूं जरूर राहत मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन इस बार बारिश दस्तक देती हुई नज़र नहीं आई जिस करके पोल्यूशन का ग्राफ होर भी वधदा होया नज़र आया, और हुण उम्मीद आई है कि जदों बारिश आएगी तो आ पोल्यूशन का ग्राफ जिहड़ा वह घटता होया नज़र आएगा। तस्वीर विखा रहे हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की, आओ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ जिसनों खूबसूरती दे विच नंबर वन शहर के तौर पर जाना जाता सी, लेकिन अज पोल्यूशन दे जिहड़ा ग्राफ आया पोल्यूशन का जिहड़ा लैवल है उस दे विच अव्वल दर्जे ते आंदा होया नज़र आ रहा है, सोचण दी लोड़ है, समूहिक जिम्मेदारी सांभण दी लोड़ है, सबनों समझना चाहिए कि आखिर पोल्यूशन किस ढंग दे नाल वध रहा और कौन इस लई जिम्मेवार है, हालांकि विशेषज्ञों की तरफों कई तरह के एडवाइजरियां जारी हुई ने जिस दे विच हेल्थ डिपार्टमेंट की गल करिए, नगर निगम की गल करिए, इस दे नाल ही जिहड़ी ट्रैफिक पुलिस है उस लई भी एडवाइजरियां जारी हुई ने कि जिहड़ियां इत्थे जिहड़े वहीकल चलते हैं शहर के जिस ढंग के नाल तुसी वेख सकते हो कि लगातार नॉन स्टॉप हर सड़क के उपर वहीकल चल रहे हैं, तो जदों भी कोई लाल बत्ती होंदी है तो उत्थे
ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਨੇ TC ਨੋਟਿਆਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਰਹਾ ਇਸ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਹਮ ਅਭੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਪ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੋਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਟੈਪ ਲੀਏ ਗਏ ਹੈ। ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਨ ਸਟੈਪਸ ਕੋ ਲੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੇ ਰਹਾ ਥਾ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਬ ਉਸਕੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਬੜਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਉਨ ਸਟੈਪਸ ਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵੈਟ ਡਸਟ ਨਾ ਉੜੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਕੋ ਅਗਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਾਟਰ ਸੇ ਵੋ ਧੋ ਸਕੇ ਰੋਡਸ ਕੋ, ਤੋ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਡਸਟ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਰਾਲੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਦੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਹਾਂ ਕੁਛ ਪਰਾਲੀ ਜਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਵਾ ਚਾਹੇ ਦਹਿਨੇ ਸੇ ਬਾਏ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਏ ਸੇ ਦਹਿਨੇ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮਾਰਾ AQI ਤੋ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਕਤ ਮੇਂ ਜਬ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਹੋਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੇਅਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮੇਂ, ਜੋ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਨਕੋ ਡਿਸਪਰਸਲ ਮੇਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਵੋ ਏਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਤੀ। ਤੋ ਉਸਸੇ ਆਪਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਂ ਪਟਾਕੇ ਫੋੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੋ ਔਰ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਹੀਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੋ ਕਹੀਂ ਡਿਸਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੋ ਜਬ ਵੋ ਵਹੀਂ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਫਿਰ AQI ਤੋ ਬੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰ, ਓਵਰਆਲ ਆਜ ਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਿਤਨਾ AQI ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ, ਔਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਵਹਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਵਹਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਵਾਹਨੋ ਕੋ ਇਸਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਤੋ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੇ ਲਗਾ। ਦੇਖੀਏ, ਅਬ ਕਹਿਣੇ ਕੋ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਸੋਰਸ ਅਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹੀਕਲਸ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਹੀਕਲਸ ਔਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਜੋ ਡਸਟ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ AQI ਕਿਉਂ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਤੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੋ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇ ਤੋ ਦੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋ ਮੌਸਮ ਕਾ ਬਦਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਕਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਰਦੀ ਕਾ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ
एक नई चीज़ जो है वो पराली है जी। तो सर लोगों को कोई हिदायतें जारी हुई हैं, और जिस ढंग से अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखें जलनी शुरू हो चुकी हैं, तो क्या कोई प्रिकॉशंस लोगों को लेनी चाहिए? हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है और वो कंसीडर करेंगे एक हेल्थ एडवाइजरी रिलीज़ करने के लिए, और मे बी आज या कल में जी। एक हेल्थ एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आ जाएगी, और सबसे यही अनुरोध होगा कि उस पे हेल्थ एडवाइजरी पे ध्यान दें जी। इसके अलावा कोई स्टेप लिए जा रहे हैं जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें किसी विशेष पॉइंट के ऊपर चर्चा हुई? पॉइंट तो बड़े सारे थे, पॉइंट बहुत सारे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रोड साइड डस्ट कम करने के, ग्रीनिंग बढ़ाने के, ट्रैफिक पुलिस को किसी तरह से ट्रैफिक कंजेशन ना होने देने के, और पब्लिक अवेयरनेस के, जब ट्रैफिक लाइट होती है 20 सेकंड से ज़्यादा तो अपनी गाड़ियों को बंद कर दे। देखिए ये जो मामला है एयर पोल्यूशन का, ये कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी इस काम को कर दे ये नहीं है, हर आदमी को अपने अपने स्तर पे कंट्रीब्यूट करना होगा जी। तब जाके हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा। कब तक सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है? अभी तो हमें यूँ लगता है कि बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा आ जाए, बारिश हो जाए तो शायद तब हम काफ़ी बेहतर हो पाएंगे, और अगर बारिश नहीं आएगी तो ये तकलीफ हो सकता है कि परसिस्ट करे। आज एक चीज़ और भी देखने को मिली, सूर्य देवता के दर्शन तो हुए, किरणें धरती पर नहीं पहुंच रही, क्या वो भी पोल्यूशन का ही असर? सूर्य देवता के दर्शन तो ठीक है, उसका कुछ पार्ट देखिए, सर्दियों में तो सूर्य देवता वैसे भी थोड़े लुका छिपी करते ही हैं। अभी तक एसी चल रहे हैं, अभी तक पंखे चल रहे हैं, तो सर्दियां भी उतने ढंग से प्रभावी असर नहीं दिखा। ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि सर्दियां अभी उतनी नहीं आई हैं और गर्मी अभी उतनी नहीं गई है, यही बीच का वक्त है। पर एक चीज़ यह है कि अपर एटमॉस्फेयर में वो चेंज आ गया है जी, अपर एटमॉस्फेयर में वो ठंडा आ गया है जो आना चाहिए, नीचे नहीं आया है क्योंकि आपने फॉसिल फ्यूल बड़े सारे जलाए हैं। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज है तो वो तो एक्सेप्ट करना चाहिए सबको, तो इंडिविजुअल आदमी को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना होगा। ये कोई सरकारी अमला इसमें कोई जादू कर देगा ऐसा नहीं है, सबको हमको कंट्रीब्यूट करना होगा, और सबके कंट्रीब्यूशन से ही एयर क्वालिटी कंट्रोल में आएगी। उसमें सभी लोग आ जाते हैं, उसमें किसान भी आ जाते हैं, लोज के गाड़ी चलाने वाले कम्यूटर्स भी आ जाते हैं। अब हम अगर कहते हैं कि 20 सेकंड से ज़्यादा अगर खड़ा होना पड़े तो लाइट बंद कर दो, स्विच अपने इंजन बंद कर दें, कितने लोग हैं जो इंजन बंद करते हैं, ध्यान नहीं देते है ना, तो ये करना चाहिए हमको। तो इसी तरह की और ओपन बर्निंग जैसे है, तो हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बोला है कि ओपन बर्निंग बंद की जाए, पर ओपन बर्निंग वो थोड़े करते हैं, ओपन बर्निंग तो पब्लिक करती है, है ना। सर एक चीज़ और आई कि एनजीटी की तरफ से भी डायरेक्शंस जारी हुई, सुप्रीम कोर्ट भी इस पोल्यूशन को लेकर संज्ञान लेता हुआ नजर आया, जो राज्य हैं उनको हिदायतें जारी हुई कि जहां पर ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है कारणों का पता लगाया गया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्या आपकी जो कमेटी है क्या इस दिशा में भी कोई मॉनिटर कर रही है? ऐसा कुछ डायरेक्शन अभी हमें तो नहीं हुआ, वो दिल्ली NCR के लिए वो डायरेक्शन है, पर हमारे लिए ये कंसर्न की बात है कि हमारा 300 के ऊपर AQI लगातार है। ऐसा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जा रहा है, ऐसा पहले भी होता रहा है, पर बारिश आ जाती थी, तब दो तीन दिन में बारिश आ जाती थी तो वो एयर क्वालिटी ठीक हो जाती थी। इस बार बारिश थोड़ी डिले हो गई है, उस कारण से आप लंबे वक्त ये देख रहे हैं। अकेले चंडीगढ़ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं या आसपास के पड़ोसी राज्य जो हैं वहाँ पर भी आपकी मॉनिटरिंग? नहीं, हमारी डोमेन तो सिर्फ चंडीगढ़ है, सिर्फ चंडीगढ़ है, और पड़ोसी लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। डाटा कि पड़ोसी राज्य जो हैं उनकी कितने इलाके ऐसे हैं, कितने शहर ऐसे हैं जहाँ पर 300 से पार IQ जा रहा है?
नहीं, उन उन स्टेट्स का अभी हमारे पास डाटा नहीं है। तो क्या उनसे भी कंसर्न करेंगे कि आप स्टेट से भी कोई तालमेल किया जाए ताकि आगे से इस तरह की सिचुएशन ना बने? ये काम CAQM का है बेसिकली, तो अगर वो करेंगे तो फिर हम उसमें पार्टी होंगे। थैंक यू। बिल्कुल, वेखो जिस ढंग दे नाल इन्होंने स्पष्ट लफ्जा दे विच किया कि वेरी पुअर कंडीशन है इस वक्त पोल्यूशन की सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के, एहतियात वरती जा रही है, कुछ नवे इनिशिएटिव भी लिते गए हैं, लेकिन सामूहिक जिम्मेवारी की गल इन्होंने जरूर की है कि इस महीने के सामूहिक जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है, चाहे वह किसान होण, चाहे आम राहगीर होण जिहड़े अपने वहीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री जिहड़ी है वह भी कितना कितने जिम्मेवार जरूर होंगी है, तो सारयां नूं अपनी सामूहिक जिम्मेवारी निभाने की लोड़ है ताकि इस पोल्यूशन नूं कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इस पोल्यूशन नाल कल्ले शहर नहीं आम लोगों के जनजीवन जिहड़ा उंदगी उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है वह भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। फिलहाल वेखन वाली गल रहेगी कि जिहड़े इनिशिएटिव लिते गए हैं कि कुछ रंग विखाते हैं और कदों तक सिचुएशन जिहड़ी है वह कंट्रोल हो सकती है। कैमरा परसन सुमित दे नाल विनित कपूर, दैनिक सवेरा TV, चंडीगढ़।